मैथिली जेहने सुंदर बचिया तेहने सुंदर नाम। बाबूजी कहते हैं मिथिला की हर बेटी में जानकी का स्वरूप छुपा हुआ है। आप पूछे थी ओकरा स्कूल में नाम लिखने के अखन कौन जरूरत छली है? समय बदल रहल छे, बेटी के शिक्षा अनिवार्य भ गेल छे। लेकिन एक बात सोच लियो, बेटी जतेक बेसी पढ़ती हुनकर ब्याह में ओतबे ही दिक्कत। कतेक बार हम कहलौ हमरा अखन मैथिली के विवाह नहीं करवा के छे। मैथिली के ब्याह एही लगन में हेतै। मैं बाप और कन्या सबके संग जबरदस्ती मैथिली हमर पत्नी ये हमरा लेल सौभाग्यक बात है। अपने के मुंह से अपन पुत्री के प्रशंसा सुन मन गदगद भ गेल। सजनी सजनी सुंदर लागे छे यहाँ जान के जो छे यहाँ। निर्णय लो चुकल छी हम विवाह करब तो सिर्फ मैथिली से। अमोद भाई जी और मुखिया जी के बीच बहुत बड़का लड़ाई भ गेल। इनका कोई में बच्चा छे। अरे ये जब हमर कोई के बच्चा के कहा गेला है अगर कोई के बच्चा के हम की करा। तो बेटा के मृत्यु के दोष बेटी पर थोपल जाए छे। जहां के सभ्यता के गुणगान आयु संपूर्ण ब्रह्मांड में भर रहल छे ओहि मिथिला में एक बेटी के साथ एहन दुराचार। दिमाग खराब भ गेल अहाँ का। विधवा से विवाह करे के लेल सोच रहल छी। अहाँ के हम ई पाप करे के अनुमति नहीं दे सकते। अगर बेटी शिक्षित होगी आत्मनिर्भर होगी तो परिवार में सुख समृद्धि आएगी ही आएगी।